तो यहाँ पे दो राक्षस भीम और चंदा मामा को कह रहे थे, लेकिन भीम उस पिंजरे को एक ही संख्या में तोड़ देता है और वो चंदा मामा को लेकर भागने लगता है, लेकिन एक राक्षस चंदा मामा को अपने पूछ से पकड़ लेता है, भीम उसकी तरह ऊपर फाड़ा फेंकता है और चंदा मामा को लेकर वापस भागने लग जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उसके पीछे बहुत सारे पादरी राक्षस पड़ जाते हैं और भीम उन्हें एक बुक में उतार देता है।